पूजनीय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों जीवन की एक घटना पर चर्चा करता हूँ एक बार दो तरह के बुजुर्ग मिले सयाने पहला जब वो मिला बहुत पीड़ित था चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी थी, कराह रहा था कुछ आधार सहयोग चाह रहा था मैंने पूछा क्या बात है क्यों इतना दुखी हो थोड़ा बताया कि मेरा बेटा मुझे घसीट रहा है मैं छूट ही नहीं पा रहा हूँ और स्वयं भी वो दुखी है परेशान है जगह जगह उसके शरीर में भी घाव हैं और मुझे तो और परेशानी हो रही है मैं दुख से बचना चाहता हूँ लेकिन नहीं बच पा रहा हूँ मुझे घसीट रहा है इतने में उसका पुत्र आया और उसे पीटते घसीटते ले चला न चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा थोड़ी देर में सोच ही रहा था कि दूसरा व्यक्ति आया वो भी सयाना था बुजुर्ग था उसके चेहरे में मुस्कान थी खुश था मैंने सोचा अरे ये समय का खेल है चलो इससे भी पूछते हैं कुछ मैंने पूछा क्या बात है आप बहुत खुश हैं बोले महाराज खुश होने का कारण है बहुत खुश हूँ मेरा बेटा इतना लायकदार है कि अब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता मैं उसके पीछे पीछे लगा रहता हूँ क्योंकि अब स्वतंत्र होकर के मैं क्या सोचूं अलग से उस बुढ़ापे में तो मैं बेटे के पीछे पीछे चल पड़ता हूँ मेरा बेटा भी बहुत खुश है और मैं तो और खुश हूँ कि मेरा कीर्ति फैला रहा है वर्तमान सुखी है और भविष्य भी सुखी है जहाँ ले जाता है मुझे जहाँ मैं जाता हूँ बहुत सुख प्राप्त करता हूँ हर जगह प्रसन्नता आनंद ही आनंद और फिर कहा महाराज मैं चलूँ मेरा बेटा आ रहा है मुझे उसके साथ जाना है मैं चुप रहा सोचने लगा एक कैसा खेल है दो तरह के लोग मिले दोनों अपने बेटे के पीछे घसीट रहे हैं लेकिन एक सुखी है एक दुखी है एक परतंत्र होकर के भी नहीं छूट रहा है एक स्वतंत्र होकर के नहीं छूट रहा है लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है एक बहुत दुखी है एक बहुत सुखी है वो सयाना कोई अलग से नहीं है ये दो तरह के इंसान हैं और बेटा कोई अलग से बेटा नहीं है जो पत्नी से पैदा होता है वो बेटा है अपना मन जीव ही इस मन का बाप है पिता है और बिगड़ा हुआ मन बिगड़ा हुआ बेटा है सुधरा हुआ मन सुधरा हुआ बेटा है जब यही मन बिगड़ा हुआ होता है या शुद्ध होता है चंचल होता है तो जीव को पकड़ के खींचता है घसीटता है यही काम कर रहा है अनादि से जैसे कोई बिगड़ल पिता का पुत्र हो और अपने पिता को ज़बरदस्ती पकड़ करके मनमानी चला रहा हो पिता समझता है कि मेरी इंसल्टी करा रहा है मेरा नाम डुबा रहा है मेरे कुल में कैसे पैदा हो गया है ये सोचते हुए भी सुख शांति सम्मान की चाहना होते हुए भी मन उसे खींच ले जाता है क्योंकि बिगड़ा हुआ मन कौन जीव नहीं चाहता है कि मुझे सुख चाहिए शांति चाहिए लेकिन ये बिगड़ा हुआ मन सबको घसीट रहा है और उसके चलते जीव इतना बेभान हो गया है उस दुख से पीड़ा से घाव से दर्द से कि ये भी नहीं सोच पा रहा है कैसे छूटूं कैसे बच पाऊँ उससे और वह बेटा वह मन भी कभी आधार नहीं पकड़ता कुछ खाई खंदक और कचड़ा में ही रह करके सुख मान रहा है अपने पिता को दुख दे करके ही सम्मान समझ रहा है ये बिगड़े हुए मन की दशा है मनुष्य का बिगड़ा हुआ मन जब होता है मनुष्य को पकड़कर खींचता है नरक में खाही खंधक दुख समस्या कुआदत दुर्गुण दुराचार और नाना प्रकार के दुर् दुर्विशन वासना में मन को मन खींचता है जीव को इंद्रियों को मन को खींच करके बरबस घसीटता है न चाहते हुए भी और एक सुधरा हुआ मन है उसके पीछे भी जीव आनंद से पीछे हो लेता है स्वीकारा हुआ कि ये मेरा बेटा है अब मैं क्या स्वतंत्र हो के मन सोचूं अनावश्यक एनर्जी खर्च करूं मेरा बेटा तो इतना सुधरा है साफ बढ़िया रहता है सुखी रहता है और मेरे भी मर्यादा का ख्याल रखता है सुख सुविधा का तो उसके पीछे मैं चलता रहता हूं दोनों पीछे चल रहे हैं लेकिन एक बहुत दुखी है एक बहुत सुखी है सुधरे हुए मन में यही लाभ है कि स्वयं वो सुख पाता है मन में एक आनंद के हिलोरे उठते हैं अजीव का बंधन अपने आप कट जाता है वो स्वतंत्र मस्त हो जाता है उसे मुक्त कह सकते हैं मन भी प्रसन्न रहता है और जीव भी निर्बंध रहता है दोहरे लाभ है और फिर इस तरह कह सकते हो कि मन जीव के पीछे पीछे चलता है या कहो कि जीव मन के पीछे पीछे चलता है दोनों एक दूसरे के कल्याणकारी हो जाते हैं आप देखे होंगे सज्जनों के घर में कभी कभी एक लायकदार पुत्र पैदा हो जाता है और इतना संवेदनशील होता है कि अपनी जिंदगी के लिए अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए अपने माता पिता के लिए इतना ख्याल रखता है स्वयं सुखी रहता है और सबको सुख पहुंचाता है ठीक इसी प्रकार अपना मन है ये जीव का पुत्र है ये मन जीव ने ही इसे बनाया है बलवान बनाया है लेकिन अनादिकाल से ये बहुत बिगड़ायल हो गया है इतना बिगड़ गया है कि सत्ता सब हाथ में ले लिया है जीव को इतना हड़का दिया है जीव के ऊपर इतना दादागिरी जमा दिया है कि जीव समिट गया है कराह रहा है हार बैठा है और फिर इसी हार हुए पन में हराले पन में जीव अपने को भूल गया है कि मैं कोई ताकतवर हूँ मैं कोई पिता हूँ वो समझता है कि सब कुछ मन ही है और जो मन में आवे वही ठीक है ऐसा समझ करके जीव अपनी सत्ता को अपनी शक्ति को भूल गया और फिर उसी के पीछे पीछे भागता है और दुख भोगता है जहाँ मन इशारा करता है फिर वहाँ चल देता है आदमी ये जीव चलो मन कहता है आओ शराब में आनंद है हाँ चलो मन कहता है बीड़ी पान तमाकू में है चलो मन कहता है क्रोध करने में ही शक्ति आएगी सत्ता हासिल होगी कहता है चलो पीछे पीछे लगा है मन का एक भी कहा नहीं टालता है उसी की आज्ञा में उसी की गुलामी कर रहा है गुलाम कभी भी सुखी नहीं होता है वो जमाना याद करें जब ग़ुलामी प्रथा थी हमारे देश में भी ग़ुलामी थी बाहर तो और भी विकराल थी यहाँ भी दुर्दशा थी लेकिन विदेशों में तो कहा जाता है ग़ुलाम पशु की तरह खरीदे बेचे जाते थे यहाँ से भी शुरू में बहुत लोगों को ग़ुलाम बना कर ले गए एक एक सिपाही सौ सौ आदमियों को पकड़ करके ग़ुलाम बना के विदेश ले गए और फिर एक एक ग़ुलाम को हजारों हजारों रुपए में सौ सौ सिक्के में बेचे अपने देश में बूढ़ा को उस हिसाब से जवान को उस हिसाब से गोरे काले को उस हिसाब से जो जैसा रहा होगा उस हिसाब से उसका मोल भाव करके अब उन आदमियों को पशु की तरह उनकी स्वतंत्रता का नाम निशान नहीं अपने सोच से वे ना जी सकते हैं ना खा सकते हैं ना सोच सकते हैं ना दे सकते हैं ऐसा था समय क्या वे सुखी जीवन जी सकते थे उनका मन इतना मर गया था कि वे आत्महत्या भी नहीं कर पा रहे थे उसी को स्वीकार लिए थे कि चलो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे स्वीकार लेने पर फिर वही अच्छा लगता है मालिक ही है मालिक मालिक उन जमींदारों के उन सेठों के ताबेदारी में ग़ुलामी में उनके पैर दबाने में उनके हर आज्ञा में वो सुख महसूस करते थे मालिक मालिक करके रहते 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 वही करते करते गुलामी के घेरे में मन भी मान लिया था इसी तरह हर तरफ़ देख लें कहा जाता है जर्मनी में जब क्रांतिकारी लोग जेल में पहुंचे जेल के फाटक को दीवारों को तोड़ दिए एक बार जब गुलाम था देश क्रांतिकारी लोग गए वहाँ सैकड़ों हजारों लोग थे जेल के अंदर कोई थोड़े दिन से कोई बहुत दिन से कोई जीवन भर से रह रहा था जीवन कारावास में और वहीं की ज़िंदगी उनको अच्छी लग रही थी वहीं मान लिए थे कि अब यहीं जीवन बिताना है क्रांतिकारी अचानक रात को फाटक दीवाल तोड़ करके फांद करके पहुँचे और आराम से कहे कि भाग जाओ सब लोग दीवाल टूट गई फाटक खुल गया अब आज़ाद हो गए हो हम लोग क्रांतिकारी हैं तुम्हें आज़ाद करने आए हैं सब आंखें फाड़ के देखने लगे टस से मस ही नहीं हो रहे थे चिल्ला करके कहे कि भाग जाओ जल्दी से हम थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं आप सबको आज़ाद करने दो चार लोग बाहर गेट के पास बाहर दीवाल के पास तक गए हट ही नहीं रहे थे क्रांतिकारियों ने झल्ला करके डंडा उठाया और पीट पीट के बाहर करने लगे कि किसी तरह तो इनको हम स्वतंत्र करें अपने काम में हासिल प्राप्त करें लोग डर के मारे डंडों की पिटाई से कुछ भागे कुछ हटे वहाँ से तितर बितर होए कब तक समय दें क्रांतिकारी भी तो डर रहे थे सिपाही ना आ जाए घंटे आध घंटे के मशक्क़त से कुछ लोगों को भगाए और वे स्वयं चले गए जहाँ तक लोग गए थे वहीं खड़े हो गए कुछ लोग तो लौट आए कहते हैं यहाँ तो हवा लग रही है तीर जैसे यहाँ तो अंधेला अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ तो प्रकाश से आंखें चकमक हो रही हैं लौट करके फिर जेल में चले गए बाहर अब अपने से खाना पिड़ेगा खोजना पड़ेगा हम लोग चले वहीं बना बनाया खाना है घेरे में रहना है ना कोई शेर बाग का डर है ना सांप बिच्छू का डर है लौट आए क्रांतिकारी बेचारे रो के भाग गए कि ये नालायक लोग नहीं निकल पा रहे हैं कितना मेहनत किए हम लेकिन नहीं आज़ाद हो पा रहे हैं तो इतना वो लोग मन से मान लिए थे वहीं सुख महसूस कर रहे थे आज भी संत गुरुजन कितना इस संसार रूपी जेल से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं डांट करके प्रेम दे करके झल्ला करके भी और गुहार लगा करके के कहें कबीर सुनो भाई साधो कहें कबीर सुनो भाई साधो जीवन भर चिल्लाते रहे आवाज़ लगाते रहे ले लुकाठा हाथ जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ ऐसे महान क्रांतिकारी सदगुरु कबीर साहब की बाणी को लोग सुने कोई दीवार फांद करके इधर हो रहा झांक रहा है कोई और कुछ दूर जा कर के झाँक रहा है पछता रहा है क्या करूं कोई तो भगवान है कोई तो देवी देवता है कौन देखाया है स्वर्ग नरक इसी उधेड़ बुन में विषयों के लोभ में चलो यहीं आनंद लो ऐसा सोच साच करके फिर वहीं का वहीं रह जाते हैं भक्ति भजन की ओर बैराग त्याग की ओर सदगुण सदाचार की ओर कहाँ बढ़ पा रहे हैं लोग बहुत थोड़े लोग कहीं कोई आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि ये जेल है इन क्रांतिकारियों का बड़ा उपकार है भागो जल्दी से दीवार को फांदो फाटक को तोड़ो कोई कोई महान बिरले होते हैं ये बिगड़ा हुआ मन ऐसा मना लिया है ऐसा जीव ये मान गया है कि नहीं कोई परमात्मा है मैं तो तुच्छ हूं मैं कुछ नहीं हूं अपने आप को कुछ नहीं मान रहा है जब तक ये अपने को सब कुछ नहीं मानेगा तब तक कभी भी इस दुख से पार नहीं हो सकता है ये मन सुधरता है इसके लिए संयम चाहिए जैसे कि आप सुने हैं पिछले सत्र में कि हाथी को सुधारने के लिए अंकुश होते हैं घोड़े को सुधारने के लिए लगाम हुआ करती है और गधे को सुधारने के लिए डंडे हुआ करते हैं भेड़ बकरी को सुधारने के लिए छड़ी हुआ करती है उसे भी डांट डपट के तो बहुत लोगों बहुत होते हैं जानवरों के लिए लेकिन मन को सुधारने के लिए क्या साधन है वो संयम से सुधरता है संयम की बहुत बड़ी ज़रूरत है मन इंद्रियों को समझ करके आत्मचिंतन की ओर मोड़ देना रोक देना नियम में चल पड़ना संकल्प करने करते रहना संकल्प मजबूत करके कड़ाई से और धिक्कारते हुए सही लाइन पे चल पड़ना संयम है सोच सोच करके गलत को छोड़ते जाना गलत करने में लज्जा करना संयम है पग पग पर संयम की ज़रूरत होती है संयम के बिना तो कभी मन सुधरता ही नहीं है बाड़ी का संयम बाड़ी से आप लोग जा सुने हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं महाभारत जैसे लंका जैसे कांड हो गए हैं बाड़ी के असंयम के बदौलत और मन इंद्रियों के असंयम के बदौलत बहुत दुनिया में हाहाकार मच गया है और जिन्होंने संयम कर लिया बड़े बड़े काम हुए जितने भी दुनिया में वैज्ञानिक हुए अपने मन इंद्रियों को संयमित करके भौतिक दिशा में लगाए इतना महारत हासिल किए वे बेचारे दुनिया में बहुत घूमे तो नहीं खाने पीने का आनंद तो नहीं पाए शारीरिक विषयों का आनंद तो नहीं पाए लेकिन महारत हासिल करके और हजारों हजारों साल के लिए अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिख करके चले गए कि आज समस्त मानव जाति उनकी याद करता है एडिसन के जीवन को पढ़ें अब्दुल कलाम साहब के जीवनी को पढ़ें ये लोग कितना आनंद मनाए होंगे पार्क में जाकर बैठने का आनंद सर्कस तमाशा देखने का आनंद नाच नौटंकी देखने का आनंद गीत गाना बजाने का आनंद ये कभी सुने होंगे नहीं देखे हैं इनको फुर्सत ही नहीं मिली रात दिन अपने मन इंद्रियों को समेट करके संयमित करके और भौतिक उन्नति के लिए इस दुनिया को दुनिया की सेवा में लगे थे देश सेवा है ये देश नहीं संसार की सार्वभौमिक सेवा ये भी है लेकिन भौतिक सेवा है संत जन भी काम करते हैं इसी तरह वाणी का संयम कैसे संयम होता है देखो यहाँ ध्यान शिविर है मौन का मौन रहने का बल दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहो क्योंकि बाड़ी ने हमको बहुत परेशान किया है एक बार की बात हंस और कछुए में दोस्ती हो गई है एक सरोवर के पास हंस गया पानी पीने और अपना क्रीड़ा करने तो वहीं पर कछुआ मिल गया वो भी निकल करके किनारे पर बैठा धूप ले रहा था दोनों में बातचीत हुई कछुए ने कहा यार तुम हंस हो कहाँ रहते हो बोला मैं मान सरोवर से आया हूँ भ्रमण में निकला हूँ देखा कि एक सरोवर है छोटा सा पानी तो पी लूँ तुम्हें देखा तो आ गया उसने कहा तुम तो आकाश में उड़ते हो और दो हो हंस हंसनी हो दोनों प्राणी हो तुम आकाश में उड़ते हो उड़ते हो कितना अच्छा लगता होगा वहाँ और तुम मानसरोवर में रहते हो क्या भाई मुझे भी ले चलोगे वहाँ बड़ी मीठी मीठी कछुए ने बात कही और उस पर हंसों को दया दृष्टि आ गई दया लगी उन्होंने कहा भाई तुम इतने वजन हो हम तुमको कैसे ले चल सकते हैं लेकिन तुम्हारी ये भावना है तो हम सोचते हैं फिर कहीं नहीं नहीं मुझे ले चलो जरूर उस मानसरोवर को मैं भी देखना चाहता हूँ उसमें रहना चाहता हूं तो दोनों विचार किए हंस कहें हम ले तो चल सकते हैं दोनों जन मिलकर आपका लोड ले सकते हैं लेकिन एक कसम खाओ एक संकल्प लो कि तुम बोलोगे तो नहीं मौन रहते हुए चलना है जब तक हम पहुँच ना जाए मानसरोवर तब तक तुम्हें मौन रहना है हर हालत में तो नाव पार हो सकती है कहें तो इसमें कौन बड़ी बात है मौन रहेंगे कहें तो ठीक है हंसों ने युक्ति लगाई एक लकड़ी ली दो फिट की लकड़ी लिया और कहा कि देखो हम दोनों हंस दोनों सिरों को चोंच से पकड़ते हैं आ तुम बीच में बढ़िया मजबूती से पकड़ो और उसी में टंग जाओ और हम चल पड़ते हैं और ख्याल रखना मौन का पालन बहुत जरूरी है जब तक हम मानसरोवर पहुंच ना जाएं तो कह ठीक है कछुआ बहुत तेज पकड़ता है मैंने सुना है कि कछुआ जब पकड़ लेता है किसी आदमी के पैर को जल्दी छोड़ता नहीं है तो गधा बुलाना पड़ता है चिल्लाने के लिए तब छोड़ के भागता है पता नहीं गधा से छोड़ पाता है कि नहीं लेकिन सुना हूँ बचपन में तो कछुआ कहन ठीक है मैं तेजी से पकड़ूंगा उस लकड़ी को कैसे छूटेगी मौन रहूंगा मुझे बहुत बड़ी महारत हासिल होगी मान सरोवर तो पहुंच जाऊंगा चल पड़े पकड़ा हंस उड़े उड़ान भर करके जब चले आकाश में चले जा रहे थे कछुआ बहुत खुश था आकाशीय यात्रा अब मैं उड़ रहा हूँ क्या आनंद है हंस मेहनत करके दोनों उड़ाए चले जा रहे थे कुछ बच्चों का खेल तमाशा ग्रामीण क्षेत्र था देखे अरे ये कैसे अरे देखो देखो लगता है ये मुर्दा है दोनों हंस लिए चले जा रहे हैं मुर्दा कछुआ को लिए चले जा रहे हैं हंस कछुए को तो रहा नहीं गया ये बेकूफ लोग नहीं जानते हैं मुझे मुर्दा कहते हैं और समेट न सका मन को बाढ़ी को सीमित न कर सका मौन तोड़ दिया कहीं न अरे बेकूफों बच्चों तुम नहीं जानते हो मैं जिंदा हूँ जैसे ऐसा बोला फट से लकड़ी छूट गई जमीन में गिरा बच्चों के सामने और उसकी खोपड़ी अलग हो गई हंस बेचारे पछता के रह गए कि इतना मना किए थे कि मौन रहना शर्त को तोड़ दिया बीच में तो नाव बीच में ही डूब गई देखो मौन तोड़ने में कितना बड़ा नुकसान किया कछुए ने संयम करता इस व्रत को तो मान सरोवर पहुँच जाता हम भी तो कहीं ऐसा नहीं करते हैं कछुए की तरह नहीं करना है हमको पूरा मान सरोवर तक पहुँचना है और संत गुरुजनों के बताए हुए संयम मार्ग से विवेक और विचार की दो लकड़ी है उसको पकड़े रहना है संयम की लकड़ी जोर से पकड़े रहना है तो मानसरोवर का और दो चार मानसरोवर होगा तो उसे भी घूम आएंगे संयम बहुत जरूरी है धीरज धैर्य धीरे धीरे आदमी धैर्य के बल पर बड़े बड़े काम कर डालता है ये मन में होता है कुछ मनोवैज्ञानिक लोग इस पर चिंतन करते हैं उनकी बातें लिखी पढ़ी हैं पुस्तकों में उसको पढ़ के विद्यार्थी भौतिकवादी बच्चे विद्यार्थी पढ़ कर के मन की हालत में उल्टा सीधा बोलते हैं मन कभी बस में होता नहीं मन को बस करने से ग्रंथियां पड़ जाती हैं इससे कई रोग होते हैं तो उससे पागल हो जाता है आदमी बहुत सारे अलाप हैं लेकिन लिखने पढ़ने वाले क्या संत समाज में रह करके इसका अनुभव किए हैं इसकी साधना किए हैं लंबे समय तक ये दो चार दिन की बात नहीं दो चार दस महीना की बात नहीं दो चार साल की बात नहीं है ये जीवन भर नहीं कई जन्म की बात है इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं कई वर्ष लग जाएंगे कई महीने लग जाएंगे जिस तरह से हम काम करेंगे उतना जल्दी हासिल कर पाएंगे हमें महापुरुष बताते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्ना तेजी से संवेदना के साथ साधना मार्ग में बढ़ने से अपना कल्याण नजदीक हो जाता है हम उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे चलने से देर में वो मंजिल आती है न चलने से मंजिल ही नहीं मिल सकती है बीच में लौट आने से मंजिल ही नहीं कभी मिल सकती है चलते रहें चलते रहें चलते रहें जीवन अनमोल है थोड़ा है सांस का कोई भरोसा नहीं है इसलिए इस गहराई को भी समझते चलना है अपनी चाल को ढीली करके कमज़ोर करके बैठे नहीं रहना इस आशा में कि धीरज धारण करो भाई कभी तो हो ही जाएगा ऐसा नहीं है जैसे दिन अपने आप में डूब जाता है समय से समय से उगता है तो समय से जीवन की सांस, शरीर की कब समाप्त हो जाए इसको हम नहीं जानते हैं ये नियमानुसार अपने आप चल रहा है पूर्व पूर्व से वेग है तो जीवन के रहते रहते हम अपना काम पहले कर लें इन संत महापुरुषों के उपस्थिति में अब ये काम कर लें सब संयोग बढ़िया है संत महापुरुष मिले हैं शरीर मिला हुआ है अच्छे साथी बराती लोग मिले हुए हैं ये बुद्धि, दिमाग मिला हुआ है निरोग शरीर मिला हुआ है अध्ययन मनन हो रहा है सदगुरु कबीर का विचार मिला है और हमें ये समझाने वाले ही नहीं जीते जागते उदाहरण हमारे सामने हैं मन का अध्ययन करने वाले अध्येता संत गुरुजन साधक हैं और इसमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है मन बस में होता है बस वो योग्यता होनी चाहिए एक उदाहरण और कहूँ एक राजा किसी उलझन में पढ़ करके एक फ़कीर के पास जाते हैं फकीर अपने घर से निकल करके कहीं खेत बाड़ी किसी काम से गए थे घर में मालकिन थी फकीर की मालकिन उनकी पत्नी घर में कुछ अपना काम कर रही थी राजा को लगा राजा समझदार भी थे कि मुझे संतों से चल करके मिलना चाहिए टहलने का समय था सुबह था वो चल पड़े कि टहलना भी हो जाएगा फकीर साहब अच्छे हैं मैं सुना हूँ उनके दर्शन भी हो जाएंगे कुछ बात भी हो जाएगी चल पड़े दो एक सिपाहियों को लेकर मंत्री को लेकर दो तीन लोग थे गए झोपड़ी थी साधारण मिट्टी की कोस छाया हुआ था दरवाज़ा और ये सब साधारण द्वार लिपा पोता था साफ सुथरा था दरवाज़ा खटखटाते हैं अंदर से मालकिन निकलती देख के वेशभूषा के अनुसार महसूस करती है कोई बड़े आदमी है, कोई संभ्रांत आदमी है और जटित वेशभूषा को देखकर अंदाजा लगाती है कोई राजा जैसे लगते हैं उन्होंने कहा नमस्ते सर झुकाती हाथ जोड़ती है और कहती आइए पधारिए एक चटाई बिछाती है जो फूस की चटाई बनी हुई होती है कासा की फ़कीर लोग ऋषि मुनि लोग यही सब रखते थे मिट्टी की फ़र्श पर बिछा दिया करते थे सीलन नहीं लगती थी उसको बिछाती है वो मालकिन आइए वो एक अतिथि समझती थी अतिथि देव भाव अतिथि देवता होता है ऐसा समझ करके बड़े ही सम्मान से चटाई बिछाती है और बड़े प्रेम से आइए हुजूर, आइए अतिथि जन। राजा कहते हैं नहीं नहीं देवी ठीक है आप हमें बुला दीजिए कहाँ गए फ़कीर साहब हम उनसे मिलने आए हैं बोले बस बैठ जाइए जलपान करिए मैं बुलाए देती हूँ अभी गए हैं थोड़ा टहलने कुछ मिनट में आ जाएंगे या तो मैं बुला देती हूँ नहीं नहीं हमको बुला दीजिए हम यहीं पर ठीक हैं टहल रहे हैं नहीं नहीं आके बैठ जाइए तीन चार बार कहीं निवेदन की हाथ जोड़ करके लेकिन तीन चार बार बार राजा लौटार दिए वापस किए बात को कि नहीं आप उनको बुला दीजिए हम उनसे मिलेंगे हमको यहीं अच्छा है हम टहल रहे हैं बैठे नहीं रानी उस मलकिन को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरी एक बात भी नहीं माने जलपान भी नहीं किए हैं कुछ बतासा वताशा कुछ गुड़ रखी थी शायद नहीं ले पा रहे हैं अपना मिट्टी के बर्तन कुछ रहे होंगे फ़कीर साहब थे तो सोचा कि चलो मैं अब बुलाए देती हूँ छोड़ खार चली गई कुछ दूर गई एक दो फल्लांग तो फ़कीर साहेब उधर से आते हुए नजर आए तो जान गए कि कोई कारण से आई है मिल गई बातचीत हुई कि अरे आप देर कर रहे चलिए लगता है कोई बहुत धनी सम्भ्रांत आदमी राजा जैसे लगते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं बहुत कही हूँ मैं लेकिन अंदर गए ही नहीं बैठे ही नहीं क्या वो कभी बैठते नहीं हैं क्या वो पानी वानी नहीं पीते हैं उसकी बातों से फ़कीर साहब को अनुमान हो गया कि नहीं हाँ वो राजा हैं और वो बैठते हैं मैंने उनको बैठते देखा है कई बार अब पानी भी पीते हैं भोजन भी करते हैं तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं बैठे मैंने बहुत कही उनको कही हम हमारे पास उनके लायक बैठने के लिए जगह नहीं थी योग्यता नहीं थी बर्तन नहीं थे बिछौने नहीं थे कुल मिलाकर के उनके लायक वातावरण नहीं था चले वो भी सोचती रह गई कि अच्छा उनके लायक भी वातावरण होता है तो चलो पहुंच जाते हैं बस खड़े खड़े फकीर साहब बातें करते हैं राजा खुश होते हैं फकीर साहब आए थे दस पंद्रह मिनट हुआ आपसे मिलना था मिल करके के दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा बस चलते हैं कुछ गोपनीय बातें किए और प्रसन्न मुद्रा से होकर के फ़कीर साहब का प्रणाम किए और राजा चलते बने तो दोनों प्राणी आपस में बात करते हैं कि देखा मिले अब मैंने भी उनको बैठाया नहीं क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण नहीं है बस इससे एक उदाहरण लेना है क्या मन कभी बैठता नहीं है क्या मन कभी स्थिर नहीं होता है क्या मन को कभी शांति नहीं मिलती है मिलती है मन स्वरूप लीन होता है मन शांति पाता है मन आनंद के प्लेटफार्म पर बैठता है विराजमान होता है बस उसके लिए योग्यता चाहिए भूमिका चाहिए उसके लिए वातावरण चाहिए वातावरण जब तक नहीं पाएगा तो ये मन कभी बैठ नहीं सकता कितना भी सम्मान करो उसका उसके लायक का चाहिए वातावरण चाहिए योग्यता चाहिए जिस दिन मनुष्य के अंदर साधकों के अंदर ये योग्यता हो जाएगी वो योग्यता क्या है बस योग्यता है साधक के अंदर सद्गुणों की योग्यता मन इंद्रियों के संयम की योग्यता आत्मज्ञान की योग्यता विकारों के त्याग की योग्यता भूमिका तब देखो फिर मन कितना वहाँ पर स्थिर होकर के शांति अनुभव करता है इतना अनुभव करता है कि फिर मन आत्मा में ही विलीन हो जाता है फिर मन खो ही जाता है फिर आत्मा हो जाता है जब तक हम मन को आत्मा के समान नहीं शुद्ध कर देंगे पवित्र कर देंगे आत्मा अपने आप में पवित्र है वो अशुद्ध नहीं है शुद्ध है आत्मा तभी तो अजर अमर अविनाशी कहा जाता है ना आत्मा अपने आप में साफ शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी है तो प्रश्न होता है कि आखिर वो फिर बंधन में कैसे आ गया अशुद्ध कैसे हो गया दुखी क्यों हो गया गंदा क्यों हो गया मन के कारण हो गया जीव ये शरीर को पाया शरीर में ये भयानक विपत्तियां खड़ी हो गई दो में द्वंद खड़ा होता है अकेले द्वंद नहीं होता क्या अकेले कभी लड़ते हुए आदमी को देखे हैं ऐसे ही जीव अकेला अपने आप में कुछ नहीं है झगड़ा लड़ाई झंझट दुखी सुखी अपने आप में अपने आप है शांत है शरीर में आकर के समस्या बना लेता है एक तो शरीर मिट्टी पानी आग हवा का है और दो में समस्या हो गई मन खड़ा हो गया जैसे बादल अपने आप में कोई छाया नहीं रखता है लेकिन बीच में वृक्ष मिल गया तो छाया बनाता है ना बादल और सूरज के बीच में छाया बनती है ना सूरज की छाया कहाँ देखेंगे लेकिन बादल बीच में आ गया तो ज़मीन में उसकी छाया दिखती है पेड़ों की छाया दिखती है मनुष्यों की परछाई दिखती है तब ये बनता है तो मन एक परछाई है समझो जीव और शरीर के बीच में जड़ और चेतन के बीच में प्रकृति और पुरुष के बीच में द्वंद्व समस्याएँ खड़ी होती हैं तो मन ऐसी चीज है इंद्रियों से देखे सुने भोगों के सारे संग्रहालय में इकट्ठा है उसे मन कहते हैं अंतःकरण में सब इकट्ठा होता है उसे मन कहते हैं मन का काम है स्मरण कराते रहना ख्याल कराते रहना अच्छे बुरे चीज़ों को और जैसे ख्याल आता है फिर मन इंद्रियां उस पर दौड़ती हैं तो मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए तो मन को ठीक करने की जरूरत है उसको उसके पहले फिर हम इंद्रियों पर संयम करें आत्मज्ञान प्राप्त करें और फिर सेवा सद्गुण सदाचार बहुत सारे उसके अध्याय पढ़ने पड़ते हैं और इसी मानव जीवन में संभव है तो मन को सुधारने का काम हम करें तभी आत्मा जीव उसके पीछे सुधरे हुए मन के पीछे भी चल करके मुक्त हो जाएगा या कहो कि जीव के साथ मन फिर पीछे पीछे चल पड़ेगा कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर सुधरे हुए मन के पीछे मानो परमात्मा आता है कहता है बोलो क्या सेवा करूं मैं जाना नहीं पड़ता है किसी शिष्य को किसी सा, साधक को स्वयं परमात्मा मानो आके सेवा करता है सुख देता है शांति देता है वो भगवान को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ये एक नियम है कि जैसे योग्यता हासिल हुई तो अपने आप वो प्रकट हो जाता है पद पेड़ों में देखो योग्यता हासिल हुई वृक्षों में फूल निकल आए एक योग्यता हासिल हुई फल निकल आए कच्चे फल एक अवस्था आई पक गए फल वही तीखे फल कड़वे फल बहुत मीठे हो गए सरस हो गए एक योग्यता आई जबरदस्ती भरेंगे क्या मिठाई किसी कड़वे पेड़ में कहाँ से फूल नोच कर लाएंगे खींच के किसी वृक्ष में जबरदस्ती एक योग्यता जब तक भूमिका नहीं होगी उस वृक्ष से ना फूल निकाल सकते हैं ना फल निकाल सकते हैं एक बहुत दाने में बीज में वृक्ष समाया हुआ है पीपल का वृक्ष कितना छोटा और उसमें बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो जाते हैं ये कहाँ से आ गया उसमें सारी योग्यता समाई हुई है तो इसी तरह मानव जीवन में बहुत सारी शक्ति है ये जीवन हमें बीज की तरह मिला है इसे हम विकसित करना बस विकसित करें बीज को विकसित नहीं करेंगे तो बीज सड जाएगा खराब हो जाएगा तो आज वो योग्यता मिली है हमें और जैसे मैंने उदाहरण सुनाया कि दो मनुष्य हैं अपने बेटों के पीछे सुख और दुख पा रहे हैं ऐसे ही दो तरह के इंसान हैं साधना करके मन को ठीक ठाक करके मन को सुंदर बना करके के बना करके अब वो इतना स्वतंत्र हो गए कि चाहे मन के पीछे वे रहें और चाहे अपने पीछे मन को रखें दोनों में सुख शांति है और जो बिगड़ा हुआ मन है दोनों हालत में चाहे कहो कि जीव पीछे पीछे भाग रहा है गुलाम है या कहो कि मन का गुलाम है दोनों हालत में दुख ही दुख है इसलिए हमें साधना करके मन को सुधार करके सुंदर बनाना है सुखी बनाना है यही इसी जीवन में हो पाएगा मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और फिर ध्यान करें कुछ देर